शायद सब लोगों के ही होगा hmm. कि भाई यानी तमिलनाडु मतलब सबको अंग्रेजी आती है Obviously, sir, सर are आर रूरल पीपल सर study स्टडी फ्रॉम द language लैंग्वेज मीडियम सो दे फाइंड इट sir. सो फॉर देम वी टीच और इसीलिए इसी जो नई शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा पर बहुत बल दिया गया है यस yes, सर so uh, we are uh, teaching English language sir and uh, uh, as uh, per NEP 2020 as it lays uh, on three languages now we have uh, and in mother tongue learning we have now introduced as an autonomous institution we have now introduced our mother tongue language also in learning technical education sir क्या आप में से कोई है जिसने बहुत हिम्मत के साथ ऐसा प्रयोग किया हो कि मान लीजिए एक स्कूल में तीस बच्चे हैं वो प्योरली अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और उन्हीं के बराबर के दूसरे तीस बच्चे वही विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो कौन सबसे ज्यादा आगे जाता है कौन ज्यादा ज्यादा जानता है क्या अनुभव आता है आप लोगों का हा? क्योंकि क्या है मातृभाषा में वो डायरेक्ट चीज को पकड़ उसको मेंटली अंग्रेजी फिर उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा फिर उसको समझने का प्रयास करेगा बहुत एनर्जी जाती है उसकी तो बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का और बाद में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए यानी जैसे संस्कृत टीचर क्लास में जाती होगी और क्लासरूम से बाहर आती होगी संस्कृत के सिवा किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करती होगी आशा जी वैसे ही अंग्रेजी के टीचर को भी क्लासरूम में अंदर जाने से बाहर निकलने तक और कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए अंग्रेजी करेंगे तो वो भी उतनी बढ़िया तरीके से करेंगे फिर ऐसा नहीं कि वे एक वाक्य अंग्रेजी और फिर तीन वाक्य मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो वो बच्चा कैच नहीं कर सकता है अगर हम उतना डेडिकेशन लैंग्वेज के प्रति भी होगा तो बुरा नहीं है और हमें तो अपने बच्चों की आदत डालनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने का उनके मन में इच्छा जगनी चाहिए और इसलिए कभी कभी स्कूल में तय करना चाहिए इस बार हम अपने स्कूल में पांच अलग अलग राज्यों के गीत सिखाएंगे बच्चों को पांच गीत एक साल में मुश्किल नहीं है तो पांच भाषा के गीत जान लेंगे कोई असमिया करेगा कोई मलयालम में करेगा कोई पंजाबी करेगा पंजाबी तो खैर कर ही लेते हैं <laughs> चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विशो ऑल नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी